वे दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है, कहावत है ना। तो उसी कहावत से प्रेरित होकर ये कहानी सुने। मीरा अपनी सहेली सीमा से कहती है, क्या रे सीमा, तेरे जैसी सास भगवान सबको दे, कोई रोक टोक नहीं, कोई बोलियां नहीं, आराम से रहती है और आराम से रहने देती है, एक मेरी सास है। माना कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन दूसरी कई परेशानियां हैं जो मेरी सास के साथ है, तू नहीं समझेगी। चल अच्छा रखती हूँ, ननद आई है, उसकी खातिरदारी करनी है। मीरा सीमा की सास से काफी इम्प्रेस रहती है। फिर एक दिन सीमा मीरा के घर किसी काम से जाती है। मीरा की सास कहती है, हाँ भाई सीमा, क्या करने आई है, घर में कोई काम धाम नहीं है क्या? सीमा को तो शौक लगता है, ऐसे कोई कैसे बोल सकता है। आंटी, मैं कौन सा कुछ लेने आई हूँ, देने ही तो आई हूँ, ये अचार बनाया था। तभी मीरा आ जाती है। अरे तू अचार लाई है, तेरी सास ने कुछ कहा नहीं, यहाँ मेरे घर पर तो सामान सड़ जाए, लेकिन मेरी सास मजाल है किसी को चमन्नी भी देने दे। अरे क्यों ना बचाऊं चमन्नी, मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है, तेरे भरोसे रहूं तो सब लुटा दे, अब ले ले अचार उससे और दफा कर। मीरा सीमा से अचार लेकर उसे बाहर तक छोड़ने जाती है। अरे यार, तेरी सास तो बहुत अच्छी है। क्या बात कर रही है, कितनी तो बेइज्जती करती तेरी, लेकिन फिर भी तुझे मेरी सास अच्छी लगी। मेरे घर आ जा कभी, मेरी सास को देखेगी ना तब पता चलेगा। अरे इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, जरूर आऊंगी मैं तेरे घर, लेकिन मैं कुछ लेकर नहीं आ सकती। हाँ देख रही है ना मेरी सास का हाल। हाँ हाँ कुछ न लाना, मैं तो कहती हूँ खाली झोला ले आना बस। सीमा चली जाती है। फिर क्या, दोनों अपने काम में लग जाती हैं। लेकिन एक रोज न जाने क्या होता है, मीरा सीमा के घर आती है। सीमा की सास कहती है, अरे सीमा देख तो कौन आया है, तेरी सहेली मीरा। मीरा आज कैसे यहाँ पर, आजा आजा, और ये हाथ में क्या है तेरा? क्या मतलब, कुछ नहीं आंटी जी, ये तो खाली थैला है, वो क्या है ना, मंडी जा रही थी तो सोचा मीरा से मिलती चलूं। अरे काहे को मंडी जाना, कल ही मेरा बेटा सब्जी लेकर आया है। अरे मीरा जरा सीमा का ये थैला तो भर दे। मीरा घबरा जाती है। अरे नहीं नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं ले सकती, हम लोग ना अलग सब्जियां खाते हैं। खैर मीरा सब्जी तो नहीं लेती, लेकिन सीमा की सास तो न जाने क्यों कद्रदान हुई रहती है। अरे मीरा जरा चिकन मटन बना ले, तेरी सहेली आई है, मैं फोन कर देती हूँ वो दे जाएगा, और सुन मिर्च जरा तेज कर देना। लेकिन मीरा तीखा नहीं खाती है माँ जी। अरे खाना चाहिए, अब सीसी करेगी ना तो नाक का सारा कचरा भी निकल जाएगा। हाय रे, कितनी अच्छी है तुम्हारी सास। हाँ, तभी आसपास के सारे यहाँ खड़े हो जाते हैं सुबह से ही, अभी 2 मिनट रुक ना, खुद पता चल जाएगा। तभी पड़ोसन आती है। अरे बहन जी, चाय का वक्त हो गया, सोचा चली आऊँ आपके घर। अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, वो क्या है ना, बहू की सहेली आई है तो चिकन बन रहा है, वो भी लेती जाना, मैं जरा ज्यादा ऑर्डर कर देती हूँ, और हाँ बहू पकोड़े भी तल ले चाय के साथ। जा जा मीरा बेटी, सीमा की मदद कर दे जरा। मीरा सीमा के पास किचन में जाती है, जहाँ सीमा सास को कोस रही होती है। घर में कितनी मुश्किल से सब्जी और राशन आता है, लेकिन ये नहीं समझेंगी। अरे पिछले महीने भी 2 बार राशन लाना पड़ा था, लेकिन ये है कि सच्ची यार, फिर भी तू लकी है, तेरी सास कम से कम मेरी सास की तरह तो नहीं है। मीरा कुछ देर रहकर वहां से चली जाती है। दोनों बहुएं किसी तरह सास के साथ दिन काट रही थी कि एक दिन सीमा कहती है, नहीं नहीं माँ जी, बस करिए, तंग आ गई हूँ मैं आपसे, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, एक बार बस एक बार आप मेरी सहेली मीरा की सास की तरह बनकर देखिए, अरे कितनी अच्छी इंसान है वो, कितना सोचती है घर के लिए। दूसरी तरफ मीरा, माँ जी कैसी हैं आप, कुछ तो सोचा करिए, समाज नाम की भी कोई चीज होती है, बस एक बार मेरी सहेली सीमा की सास की तरह बनकर देखिए, अरे कैसे जी जाती है जिंदगी उन्हीं से पता चलेगा। दोनों की सास को आता है गुस्सा। अरे भाई कोई छोटे बच्चे तो है नहीं जो किसी के साथ तुलना कर दे और वो कुछ ना कहे। मीरा की सास कहती है, मुझे तो सीमा के पास ही छोड़ा। सीमा की सास कहती है, तू ना मुझे मीरा के पास ही छोड़ दे,
दोनों एक दूसरे से सलाह करती हैं और सासों का किया जाता है आदान प्रदान यानी एक्सचेंज। अगली सुबह मीरा की बदली हुई सास। अरे मीरा, मेरी बेटी आ रही है। मीरा को तो आदत थी कि घर का कोई भी आए दमड़ी ना निकले, ना कुछ बनाना, ना कोई लेन देन। अच्छा माजी, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे कैसा कोई बात नहीं, अरे लाओ 16 तरह के पकवान और ननद को देने के लिए सीधा निकालो। सीधा समझती हो ना? देना, लेन देन? अरे माजी कैसी बात कर दी, इस घर में जो कोई कुछ भी ले आए, लेकिन मजाल है घर की चवन्नी भी कहीं चली जाए। अरे ये तो परंपरा ही नहीं है इस घर की। बाकी खाना हो तो रोटी दाल बना देती हूँ। रोटी दाल तो मेरी बेटी दुख में भी नहीं खाती, तो मायके में क्यों खाए। मैं अभी चिकन, मटन, पनीर और दाल ऑर्डर कर रही हूँ, सब बना देना। लेकिन मेरी तो आदत ही नहीं है इतना सारा खाना बनाने की। नहीं नहीं माजी, मुझे तो माफ करें। अरे कैसी बात कर रहे, तेरी सास की बेटी नहीं आती थी क्या? आती थी ना, खूब आती थी, लेकिन मजाले की सास कुछ एक्स्ट्रा कर दे। माजी देखिए, मेरी तो आदत नहीं है। दूसरी तरफ सीमा। माजी वो मेरे मायके से लोग आ रहे हैं, तो मैं जरा उन लोगों के लिए कुछ बना लेती हूँ। क्यों क्यों बना लेती हो? दाल रोटी बनी है ना, साथ में अचार रख देना। वैसे आ क्यों रहे हैं बेटी के घर? सीमा को तो बहुत बुरा लगता है, कहाँ तो उसकी सास पड़ोसी के कुत्ते को भी घी की रोटी खिलाती है, और कहाँ ये मीरा की सास जो उसके मायके वालों के लिए सूखी रोटी अचार रख देने की बात कर रही है। वो मेरी भाभी आई है ना। नहीं नहीं, तो शादी के बाद भाई पहली बार आ रहा है। हाँ तो उन लोगों को बोल दो, हमारे घर का रिवाज है सास के लिए 10 साड़ी, हार और सजावट का सामान लेकर ही आना, समझे? सास तो बोली जा रही थी, लेकिन सीमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सीमा का पति। अरे सीमा क्या हो गया, तुम्हें तो माँ से बिल्कुल अपोजिट चाहिए थी ना। कहाँ माँ हर किसी के आव भगत में तुम्हें लगा कर रखती थी, लोगों से खूब मिलती, घर का सामान बांटा करती थी। अरे याद है ना, तुम्हारे घर वाले आते थे एक पैकेट लेकर और जाते थे पूरे 10 थैले के साथ। अब आएंगे 10 पैकेट लेकर और जाएंगे खाली हाथ, सही है? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी सास, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। सीमा घबराकर मीरा की सास को लेकर उसके घर जाती है, जहां मीरा। सीमा ले जा अपनी सास भाई। हाँ हाँ, मैं भी तेरी सास वापस ही देने आई हूँ। चलो मम्मी जी, मेरे लिए तो आप ही सही हो।